जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामूला शबीर अहमद खान से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जिलाध्यक्ष जुहर अहमद मल्ला ने किया और उनके साथ मुख्य प्रवक्ता यूटी भी मौजूद रहे। इस मौके पर टीचर्स फोरम का नेतृत्व कर रहे प्रतिनिधियों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को उन्हें आ रही समस्याओं के बारे में बताया और शिक्षा के नए मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की और सीईओ ने धैर्य पूर्वक उन्हें सुना और शीघ्र निपटान का आश्वासन भी दिया। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I would like to say, organization, we assure your good self that we will read off for the welfare of our children, but so far as the organization is concerned, of all organizations run by Mr. Shri Ganesh Khajuria, chairman, and State President Mr. Umam Shakira, all the members of this function, to please give their self. Jammu Kashmir Teachers Forum Day. Ye jia de day in and then day out, sir. As a form of Chief Education Officer, Baramala, Jinaab Usuli Ram Khan Sahab, Deputy. हम इनको अपना बॉडी पार्ट समझते हैं। अगर हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, हम सब इस जिस क्या आपको पता ही है कि 15 दिन पहले यहाँ पे सीओ बारामूला जो हमारे हैं शबीर अहमद खान साहब, उन्होंने यहाँ पे ओहदा संभाला है एस चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला। तो आज जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम की जो ज़िला क़यादत है जोहर अहमद मल्ला साहब की क़यादत में, वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने मुझे भी मदद किया था एज स्पोक्स पर्सन ऑफ जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जे के यूटी। तो मीटिंग हमने सीओ साहब के साथ की, डिफरेंट इशूज़ पर हमने बात की। एक तो उनके साथ इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, उनको हमने सीओ एज सीओ बारामूला चार्ज संभालने पर मुबारकबाद भी पेश की और साथ ही साथ जो हमारे असातिज़ा के मसाइल हैं, डिफरेंट इश्यूज हैं अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, उनसे हमने उनको आगाह किया। तो हमें यह जब से हम सीओ साहब के साथ बात की तो हमें बड़ा अच्छा लगा। उनका रेस्पॉन्स जो था, उनका जो बात करने का तरीका था, टीचर्स को रिसीव करने का तरीका, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका, वो हमें बड़ा अच्छा लगा। और हम उम्मीद करते हैं जिस तरह यहाँ एक लाइन खींची हुई है आले डिस्ट्रिक्ट बारामूला, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तकरीबन 5 ज़िले अगर हम वैली की बात करेंगे, हाफ ऑफ द वैली ज़िला बारामूला है। चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, इशूज़ भी बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरह से हमने अपने सीओ साहब को कॉम्पिटेंट पाया, डेडिकेटेड पाया, तो हमें लगता है कि ज़िला बारामूला में असातिज़ा के जो मसाइल हैं वो इंशाल्लाह ताला उनकी निगरानी में, उनकी लीडरशिप में हल हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो सीओ साहब को यहाँ पे एक टीम है, डिप्टी सीओ साहब की बात करेंगे हरमिंदर सिंह जी, या एसओ साहब की बात करेंगे रमज़ान साहब, या बाकी जितने भी इनका नॉन टीचिंग अमला है, एक डेडिकेटेड टीम है पूरे ऑफिस में। अगर हम नॉन टीचिंग अमले से लेकर जो हमारे ऑफिसर्स यहाँ पे बैठे हैं, तो मुझे लगता है सीओ साहब उनकी सर्विसेज को अच्छी तरह यूटिलाइज करेंगे। जो हमारा ओवरऑल मकसद है, चाहे टीचर है, चाहे ऑफिसर है, चाहे कोई भी है, हम सब एक परिवार की तरह हैं। हमारा मकसद यही है कि किस तरह से बच्चों की नशोनुमा हम कर पाएंगे और बच्चों का जो रोशन मुस्तकबिल है उसके लिए हम काम करेंगे। हमारे टीचर जो ज़िला भर के हैं वो इस चीज़ को लेकर कमिटेड हैं कि चाइल्ड इज़ अ प्रायोरिटी, हम बच्चे की बहबूदी के लिए, बच्चे के रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो टीचर्स के इश्यूज़ हैं, जो डिफरेंट ऑफिस में है, चाहे वो ZDO ऑफिस की बात करेंगे या CO ऑफिस की बात करेंगे, जब उन इश्यूज़ का निपटारा होगा तभी टीचर क्लासरूम में जाके सुकून के साथ बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसको शेप कर पाएगा। तो कुल मिलाकर आज की जो मीटिंग है उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेम्बर जो हमारे थे डिस्ट्रिक्ट बॉडी के, ज़िला बारामूला के, हमारी जो जोनल सदूर साहिबान है, पूरे 18 जोन के जोनल सदूर साहिबान, वो इस मीटिंग में शामिल हुए। सुरनकोट में आज भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण